चिट्टी भाग 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 बिल्ली क्या हुआ क्या हुआ बिल्ली अब पता चला यार बिल्ले पूरी रात वो खट खट का आवाज कहां से और कैसे आ रहा था अब देख ही लिया है तो अच्छे से देख लो क्योंकि इसके बाद कुछ और देखने लायक बचोगे नहीं हैं हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी अरे यार ये अभी भी बफर में ही चल रही है बैंक तक सुरंग खुद चुकी है ना जी हाँ आज तो हम बिना फॉर्म भरे बैंक से पैसे लेकर आएंगे चलिए पुष्पा जी क्या कर रही हो करिश्मा सिंह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अच्छा होगा कि आप गाड़ी में बैठिए और हम सब आते हैं देखो तुम जो 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 कर रही हो वो ठीक नहीं है सर ज्यादा सोचिए मत ये कुछ भी कर सकती है हम सास इनके हमें पता है ये दोनों यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं अरे मैडम जी ये दोनों कूदी मारते मारते अंदर आ गए इन्होंने सब सुरंग वुरंग देख लिया है अब ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है इनका जिंदा रहना भी हमारे लिए डेंजरस है बिल्लू भाई देखो हम दोनों का नाम सेम है आपका बिल्लू मेरा बिल्लू तो हम नाम भाई हो गए ना मुझे छोड़ दो कौन सा सेम नाम हाँ मेरा नाम थोड़ी बिल्लू है मेरा नाम है हरिश्चंद्र अमृत अमृत टपकता है आपके नाम से हमें बाबूजी का नाम भी हरिश्चंद्र प्लीज हमको जाने दीजिए एक मिनट बिल्लू हम इनके जज्बात समझते हैं इन्हें जान से नहीं मारेंगे देखो मैं कहता था ना अरे सोना नकली हुआ तो क्या हुआ लेकिन पीला जरूर होता है मतलब मैडम देखो नकली हसीना मैडम हुई तो क्या हुई जज्बात तो है पूरी बात तो सुन लो जी जी जान से नहीं मारेंगे बिल्लू एक काम करो इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दो हाँ ओके जाओ लेकर जाओ चलो मैडम मैडम छोड़ दो संतु सब बैठ जाइए गाड़ी में सॉरी बैठिए सॉरी बैठिए बैठिए जल्दी जल्दी यस वेरी गुड चलो मैडम सर आप और मैडम अंदर जाइए हम हैं यहाँ पे उनको रोक के रखते हैं चलिए हसीना मलिक एसएचओ हसीना मलिक असली वो कहते ना कि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो एक ना एक दिन कानून के फंदे में फंस जाता है प्लान तो अच्छा बना है तुम सबने मिलकर लेकिन अब तो पकड़ी गई वो कहते हैं ना कि जो कानून की धज्जियां उड़ाता है वो एक दिन जेल के पीछे फड़फड़ाता नजर आता है तुम लोग क्या वाह करने के लिए खड़े हो मारो से हमारा नाम लेके हम ही पे रोब जमा रही थी ना अब तुमको दिखाते हैं असली करिश्मा का असली भौकाल Thank you.
अमा तुम्हारा घुसन भी तुम्हारी तरह नकली है। संतोष ले। अमाओ, हमको पुष्पा नाम से ना वैसी बहुत एलर्जी और नाम सुनते ही गुस्सा भी बहुत आता है, तो असली पुष्पा का गुस्सा तुम पे ना निकल जाए, इससे अच्छा होगा कि तुम शांत बैठी रहो यहाँ पे। चलो नकली पुष्पा तो समझदार है। तो चले हवालात या ये खेल और खेलना है? बस इतने में ही, हमें लगा नहीं था कि आप इतनी डरपोक है। मैडम सर आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। नहीं नहीं पहले आप। नहीं नहीं मैडम सर पहले आप। अच्छा ठीक है, इनके साथ तो वैसे भी हमारा बनता है। सर 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 प्लीज प्लीज आई एम सॉरी यू आर नॉट अलाउड सर। अरे 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 आपने सुना ना संतोष क्या कह रही है, इस बार हमें माफ कर दीजिए,
हम आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल बना के लेके आएंगे। हाँ देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। पुष्पा जी, खाता है क्या? अभी बारिश कहाँ होगी संतु? बारिश नहीं, धूप। फिर आपकी तरह बन जाऊंगी ना मैं। हाँ? हाँ वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है। सुन ना, अंदर एसी ऑन था ना? हाँ। सर, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? अरे कैसे भरोसा होगा, इतना सब कुछ होने के बाद भरोसा होगा क्या? चलिए अंदर चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रहा है। चलिए चलिए सर, सर चलिए। आइए आइए सर। सॉरी। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ उस तरफ फटाफट लगा ऊंची। हाँ एकदम। गोरे बिल्लू यार, देख लो यार, कुछ छोड़ दो यार। मेरा तो हमेशा सपना था कि मैं खुद किसी को जिंदा चुनवाऊं। आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। माय टर्न। अरे पहली बार ये कनीजा कनीज की मौत मर रहा है। अरे मैंने इतनी चोरियां की, इतने पॉकेट मारे, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। आज इस पुलिस का साथ दे रहा हूँ तो इतनी बड़ी सजा। एक मिनट, तू चोर है? हाँ चोर है, मुझे छोड़ दो। और चोर होके तू पुलिस का साथ दे रहा है? तूने तो पूरी चोर बिरादरी को कलंक लगा दिया है। तुम्हें तो चुनवा के ही मारना चाहिए। चल लगा। चिते तुम्हारा टर्न। आइए सर, देखिए ये देखिए, ये नकली हसीना और उसकी लुटेरों की टीम। पीछे चलो, पीछे। मुझे जाने दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। चलाओ। देखो आगे बताओ, मैं गोली चला दूंगी, मैं गोली चला दूंगी। मैडम सर। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? चलाओ। मैं कह रही हूँ गोली चला दूंगी। ए, बस करना, और कितनी दीवार ऊंची करेगा? तुम सब नकली हो तो ये दीवार भी नकली लगा लो ना। बंद कर। हमें पता था जिसका सब कुछ नकली हो उसकी बंदूक और गोलियां असली कैसे हो सकती हैं? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब रानी। तुम्हें हमारे डरपोक होने की तसल्ली हो गई हो तो अब चले। करिश्मा, तुम कहाँ जा रहे हो बे? तुम तो मेहमान हो हमारे, तुम्हारा खातिरदारी ना अब हम करेंगे अच्छे से। चल। मेरा नाम रानी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम किया। तुमने सिर्फ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस तेज दिमाग का भी किया है। उन मासूम लोगों के डर का फायदा उठाया तुमने, जो किसी भी बड़े ऑफिसर से या किसी भी बड़े आदमी से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगने में कतराते हैं। अगर वो लोग हिम्मत करते ना और अपने हक का इस्तेमाल करके तुम्हारा ये मास्क उतारते तो तुम्हारा ये झूठा मकौटा है ना वो भी उतर जाता। अब तो आपको पता चल गया ना सर ये सब हमने क्यों किया। Yes, of course. मिस हसीना मलिक, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया और डिपार्टमेंट पे लगे धब्बे को भी हटाया। सही बात है सर,
पूरा केस जो है मैडम सर ने अकेले सॉल्व किया है। हम तो वहां बैठ के भुना चना खा रहे थे। सर दरअसल सच तो यह है कि हमारी टीम के बिना और खास तौर पर करिश्मा सिंह के बिना हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाते। करिश्मा सिंह जी सर। क्या हो? हम सब जानते हैं अब समय आ गया है कि करिश्मा सिंह को प्रमोट किया जाए। आज इसी समय इसी थाने में करिश्मा सिंह को SHO की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। क्या क्या क्या? अरे वाह। थैंक यू सर। बताइए कौन से थाने में जाना है? नहीं, इसी थाने में रहना है। मतलब मैडम सर का किसी और थाने में ट्रांसफर हो रहा है? मैडम सर भी इसी थाने में रहेंगी। आप टेम्परेरी SHO रहेंगी और आप हसीना मलिक से सीखेंगी कि SHO थाने को कैसे चलाता है। इस थाने में अब से दो दो SHO होंगे। मतलब करिश्मा मैडम और हसीना मैडम दोनों एक ही पोस्ट पर, तब तो लात और जज्बा दोनों की बराबर की टक्कर होगी। तो हमारी खैर नहीं। हमारी खैर नहीं। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जय हिंद। नई SHO साहिबा, मतलब कि नई मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की SHO बनने की खुशी में आपको भर भर के ट्रक भर भर के बधाई हो मैडम, स्वीकार कीजिए आप। अरे चीता दिन का पहला बधाई दिए हो तुम, धन्यवाद। अरे मैडम हम का बताएं, मतलब आप जिस लेवल के ऑफिसर है ना, मतलब जैसी ठोस जैसी जबरदस्त जैसी चट्टान जैसी ऑफिसर है ना आप। अरे अभी तक तो आपको कमिश्नर बन जाना चाहिए था। ये जो है मैडम ये सब छोटा मोटा अचीवमेंट है आपके लिए। अमा तुम अब बकैती बंद करो और हमारा बात ढंग से सुनो। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में एक ही मैडम सर है और वो हम नहीं है। अमा टेम्पररी बने हैं, जिस दिन परमानेंट बनेंगे ना और खुद का थाना खुद के तरीका से हम चलाएंगे, उस दिन शान से मैडम सर कहलवाएंगे तुमसे। मैडम मैडम ये जो आप बात बोली है ना, हमारे दिल में ना मतलब आपके लिए रेस्पेक्ट ना 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। इतना अच्छा बात मतलब बहुत बहुत अच्छा बात बोली मैं, बहुत इज्जत हो बढ़ गया आपको, पैर छू ले हम आपका मैडम। अमा तुम ये गुड़ बनना बंद करो, ओवर ही कर देते हो कसम से। सॉरी सॉरी मैडम सर, मतलब की करिश्मा मैडम, सॉरी सॉरी। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम सब मरे जा रहे हो हमको बधाई देने के लिए, लेकिन हमारा बात सुनो, कोई रंगबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सबके कान में ये बात डाल दो हमारे वहाँ आने से पहले, समझ गए? वरना हमारा भौकाल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैडम। Excuse me? जी जी, क्या ये बिल्लू?
पुष्पा जी, लॉकडाउन में हमारा चोरी का धंधा एकदम से लॉक हो गया, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो चोरी कैसे करे? इसीलिए मैंने सोचा कि ईमानदारी का धंधा करे, और वो भी कौन सा, पॉलिसी एजेंट का। बस आपका सहयोग चाहिए। बताइए क्या सहयोग चाहिए? बताते पुष्पा जी, ये जो बुढ़ापा है ना, बहुत ही खतरनाक होता दिख रहा है। बच्चे ठीक हो तो मौज है, और ठीक नहीं हो तो बुढ़ापा एक बोझ है। आजकल के बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा जी, आप आईना तो देखती होंगी। ये देखिए, भगवान भी आपसे 2-3 दिन ही बड़े होंगे। रख अंदर रख। पुष्पा जी, ये बुढ़ापा ना एक चिंता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए आप हमारी पॉलिसी ले लीजिए, ये ओल्ड एज पॉलिसी। बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बेचने आए, अभी हमारी उम्र ही क्या है? सारे इतवार और बैंक हॉलीडेज अगर निकाल लो तो 35 से 1 साल भी ज्यादा ना होगी। हाँ, अभी हमारे रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। टाइम ही नहीं है, कब टाइम आगे बढ़ सकता है वो पता नहीं सकती। जय हिंद नई एसएचओ करिश्मा मैडम जी। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद नई एसएचओ करिश्मा मैडम। जय हिंद संतोष। तो पुष्पा जी, ओल्ड एज पॉलिसी ले रहे हैं ना? एक मिनट, ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ पुष्पा जी, आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ हाँ, जरूरत भी तो है। बताएंगी क्यों? क्योंकि हम बेच रहे हैं, आप पॉलिसी ले रही हैं। क्यों ना ले? अरे आजकल के बच्चों का भरोसा ही नहीं रख सकते। अबे इनके बेटे ने इनको बेटा क्यों? आपके बहू ने आपको घर से बेघर कर दिया, एक आवारा कुत्ते की तरह धुतकार दिया, 2 जोड़ी कपड़ों पे ही आपको घर से लात मार कर निकाल दिया, तो इस लावारी जिंदगी का कौन सहारा है? एक ही सहारा है, ये हमारी ओल्ड एज पॉलिसी। लीजिए, भरिए और साइन कीजिए। बिल्ला। हाँ पुष्पा जी, भरोसा उठ गया आपका अपने बच्चों पर से? नहीं, मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। लगता है पुष्पा जी का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।